अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड गुड आफ्टरनून। अच्छा बच्चे, उर्दू की क्लास में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को नज़म नात की मश्क में से सवाल नंबर 7 जो है वो मैं आपको करवा रही हूँ। आप लोग सिर्फ देखते जाएं। मिसाल के मुताबिक नात में से हम आवाज, ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज एक जैसी हो उनको हम आवाज अल्फाज कहते हैं। मिसाल के मुताबिक नात में से हम आवाज अल्फाज की जोड़ियां बनाकर लिखें। मिसाल आपके सामने है दिखलाई, दूसरा है भलाई। दिखलाई भलाई, अब इसके बाद है चमकाया, चमकाया की तरह है दिखलाया। फिर है प्यारा, उजियारा। इसके बाद है मारो, बेचारो। अगला लफ्ज है प्यारा, सहारा। आखिरी लफ्ज है इस्लाम, पैगाम। तो ये तो हो गए हम आवाज अल्फाज की जोड़ियां। अब सवाल नंबर 8 की तरफ देखें। दी हुई अल्फाज को अलिफ़ाई तरतीब से लिखें। अलिफ़ाई तरतीब जिस तरह हरूफ़ी तहजी में अलिफ से लेकर छोटी ये तक तमाम हरूफ बिल्कुल सीक्वेंस में तरतीब में होते हैं। पहले अलिफ होता है, फिर इसके बाद बे, फिर इसके बाद ते। इसी तरह ये अल्फाज है उसको हमने अलिफाई तरतीब से लिखने हैं। अब इसमें से पहला लफ्ज जब बे से शुरू होता है तो जाहिर सी बात है वो हम शुरू में लगाएंगे। फिर अगर ते से वो लफ्ज शुरू हो तो हम सेकंड पे लगाएंगे। तो पहला लफ्ज है रहमत, पहला लफ्ज है रहमत। फिर है करिश्मा, फिर है मुजदा, फिदा, नादारो, बीमारो, अरब, सबक, दौलत, जहां। अब इसमें से पहला लफ्ज आएगा बीमारो, इसके बाद है जहां, इसके बाद आएगा दौलत, फिर चौथा है रहमत, पांचवा आएगा सबब, छठा आएगा अरब, सातवां आएगा फिदा, फिर आएगा करिश्मा, फिर मुजदा और आखिर में नादारो, आखिर में नादारो। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोग को रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ाया भी था। रहमत आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक के बारे में इसमें आप लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तलफ्फुज़ सीखें। पहला लफ्ज लश्कर, पहला लफ्ज है लश्कर, इसके मानिए ग्रुप। दूसरा लफ्ज है जबर, जबर कहते हैं सुलम को। तीसरा लफ्ज है नुकसान, क्या है ये? नुकसान, कमी। उम्मीद, उम्मीद के मानी है आरजू। फिर है मेहनत, मशक्कत, मशक्कत की मानी है मेहनत। अगला लफ्ज है दरगुजर, दरगुजर की मानी है माफ करना, ज्यादती, हद से तजावज करना, मंडलाने, परिंद या परिंदों का किसी चीज के इर्द गिर्द हल्का बांधकर उड़ना। अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ देख लें। रमजान का मुकद्दस, मुकद्दस पाक महीना था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अपने सहाबा, सहाबी जानते हैं किसे कहते हैं, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो इसको हम सहाबी कहते हैं, ठीक है। अपने सहाबा के साथ मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुई। कहाँ से? मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुई। अब 10,000 का लश्कर, 10,000 का ग्रुप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह था, एक साथ था। मक्का वालों में अब लड़ने का हौसला नहीं था। वो लोग जो कल तक जालिम
बने हुए थे, कमजोरों पर जबर करते थे, जबर जुल्म करते थे, इस्लाम कबूल करने वालों को जुल्म सितम का निशाना बनाते थे। आज खौफ के मारे छुपते फिर रहे हैं, अब उन्हें डर है कि पता नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ क्या सलूक, कौन सा सलूक करने वाले हैं। आज उन्हें अपने वो सारे मुजालिम याद आ रहे थे जो उन्होंने मुसलमानों पर सालों तक ढाए थे, किए थे। मक्का मुकरमा वालों को वो सारे मुजालिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की गई सारी ज्यादतियां एक एक करके याद आ रही थी। ठीक, अच्छा, उनके दिल मुसलमानों की हैबत से खौफ से लरस रहे थे, कपकपा रहे थे। मक्का मुकरमा वाले इस इंतजार में थे, मक्का के जो लोग थे इस इंतजार में थे कि देखे उनकी किस्मत के बारे में क्या फैसला होता है। मक्का मुकरमा में दाखिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अबू सुफियान कौन थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, कि जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हुआ कौमा उसके लिए अमान है, जो बैतुल्लाह में आ गया उसके लिए अमान है, और जो अपने घर के दरवाजे बंद करके बैठ गया उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छा, आपको पता है कि मुसलमान के साथ कौन कौन सी ज्यादतियां की गई थी? जो लोग मुसलमान हो जाते थे, इस्लाम कबूल कर लेते थे, तो ये जो मक्का के काफिर थे ऐसे लोगों को कत्ल कर देते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे, मजनून और जादूगर कहकर पुकारते थे। ठीक है, इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा करकट और खाक फेंकते थे, पत्थर बरसाते थे। बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे पर खड़े होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों से, कुरैश एक कबीले का नाम है, से फरमाया, ए कुरैश वालो, इसके बाद है अलामती निदा, जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ? सवालिया निशान। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश वालों से पूछ रहे हैं कि मैं आप लोग के साथ क्या सलूक करने वाला हूँ। वो बोले, कौन बोले? मक्का वाले बोले, वो कवायद की रूह से क्या है? इसमें जमीर है, आपसे भलाई और खैर की उम्मीद है, उम्मीद आरजू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम करने वाले, करम वाले भाई और रहम और करम करने वाले भाई की बेटे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तमाम ज्यादतियां माफ कर फरमा दी। ग़ज़वे उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी चचा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाम हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, कातिल वहशी के माने है बेरहम, और कत्ल करवाने वाले हिंदा बिनते अतबा, अतबा की बेटी हिंदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए। बस वे हो में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल वहशी और कत्ल करवाने हिंदा बिनते अतबा के कहने पर वैशी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा को कत्ल किया था, उनका कलीजा निकाल कर चबाया था और उनकी लाश की बेहुर्मती भी की थी। अब वो दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए, दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी माफ फरमा दिया। पूरी इंसानी तारीख में माफी और दरगुजर की ऐसी शानदार मिसाल नहीं मिलती। अब आगे देखिए, अफू दरगुजर कवायद के रूप से मरकब याफ्ती है। अफू दरगुजर माफ करना का सिर्फ ये एक वाक्य नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इस तरह के वाकयात से भरी हुई है, मतलब सिर्फ ये एक वाक्य नहीं है, इसके अलावा भी और भी बहुत से वाकयात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराफा रहमत थे, सर से लेकर पांव तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी रहमत और शफकत। अब रहमत और शफकत कवायद की रूसी कौन सा मरकब? मरकब अतफी। शफकत के मानी है मेहरबानी और अफू दरगुजर का अमली नमूना थे। जान के दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम और करम पर होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें भी माफ फरमा देते थे, किसी को लाचार और किसी
यारोमदगार को देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पसीज जाता नरम कर जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर उसकी मदद करते थे। अच्छा अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक गुलाम, गुलाम जर खरीद लो आटा पीस रहा है और साथ ही दर्द से कराह रहा है। कराह, कराह के मानी है वो आवाज जो तकलीफ या दर्द की वजह से निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब गए तो पता चला कि वो बीमार है और उसका जालिम आका उसे छुट्टी नहीं देता। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आराम से लिटा दिया और सारा आटा खुद पीस दिया। फिर फरमाया जब तुमने आटा पीसना हो मुझे बुला लेना। अब आगे देखिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि तुम्हारे गुलाम और खादिम खिदमत करने वाले तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह ताला ने उनको तुम्हारे मातहत कर दिया है, मातहत ज़ेर फरमान वो मुलाजिम जो ज़ेर हुक्म काम करे। हर मुसलमान को चाहिए जो खाना खुद खाए अपने गुलाम और खादिम को भी वही खाना खिलाए और जो कपड़ा खुद पहने उनको भी वही पहनाए। अपने गुलाम और खादिम से ऐसी मशक्कत ना ले तो उसकी ताकत से बढ़कर हो और अगर उसकी ताकत से बढ़कर काम ले तो उसकी मदद करे। अच्छा अब लास्ट पैराग्राफ की तरफ देख ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों पर भी मेहरबान थे। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों पर रहमत और इंसानों के साथ रहमत से पेश नहीं आते थे बल्कि जानवरों पर भी बहुत ज्यादा मेहरबान थे और उन पर किसी किस्म का जुल्म या ज्यादती होते नहीं देख सकते थे। आगे चिड़िया के घोंसले के बारे में एक वाकया है। एक दफा सफर के दौरान मैं एक जगह ठहरे तो एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला ने चिड़िया के घोंसले से एक अंडा उठा लिया। चिड़िया बेकरार होकर उनके सर पर मंडलाने लगी, इस बंदे ने क्यों अंडा उठा लिया है चिड़िया के घोंसले से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा किसने चिड़िया का अंडा उठाकर उसको तकलीफ पहुंचाई। वो सहाबी रसूलुल्लाह तआला ने बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने अंडा उठाया है, इसको वाबेन में बंद कर दिया गया है। ठीक है, इस जुमले को वाबेन किसी की कही हुई बात की तरफ इशारा करने के लिए उसको हम उस जुमले को हम वाबेन में बंद कर लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अंडा वही रख दो। इसी तरह एक मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में ऊंट पर नजर पड़ी जो भूख की वजह से कमजोर हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो इन बेजुबानों के मामले में अल्लाह ताला से डरो। सच ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू दरगुजर का बेहतरीन नमूना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला खूबियों के मुतरिफ आप के दुश्मन भी थे। अच्छा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों की रहमत बनाकर भेजे गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं थी बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी उनकी जात मुबारक शफ़क़त का बाइस थी। अच्छा अब आगे देखें। अब आप लोग जल्दी से रफ नोटबुक निकाल के अपने साथ ये अल्फाज मानी नोट कर ले। पहला है जबर, जबर के मानी है जुल्म व सितम। दूसरा है उम्मीद, ख्वाहिश या आरजू। तीसरा है दरगुजर, दरगुजर के मानी है माफी। चौथा लफ्ज है बेकरार, बेकरार के मानी है बेचैन, परेशान। अगला लफ्ज है हैबत, हैबत की मानी है डर। इसके बाद है खैर, भलाई, मलामत, डांट डपट, मंडलाना, चक्कर लगाना। अब आप लोग अपने साथ सवालात जवाब नोट कर ले। शाबाश। सबक के
आहास में इस वाक्य की तरफ इशारा किया गया है। सबक के आखिर में इस वाक्य की तरफ इशारा किया गया है। जवाब, सबक के आखिर में फतेह मक्का के वाक्य की तरफ इशारा किया गया है। पॉइंट नंबर टू, फतेह मक्का के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो, जाओ तुम सब आजाद हो। सवाल नंबर दो, गज़वे उहद में वहशी और हिंदा का जुर्म क्या था और उनके साथ क्या सलूक किया गया। गज़वे उहद में वहशी और हिंदा का जुर्म ये था कि हिंदा के कहने पर वहशी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया था। हिंदा के कहने पर वहशी ने हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का कलेजा निकाल कर हिंदा के सामने पेश किया, जिसे हिंदा ने चबाया। इस बुरे सलूक के बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को माफ कर दिया। पूरी इंसानी तारीफ में माफी और दरगुजर की ऐसी शानदार मिसाल नहीं मिलती। सवाल नंबर तीन, खादिम और गुलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि तुम्हारे गुलाम और खादिम तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह ताला ने उनको तुम्हारी मातहत कर दिया है। हर मुसलमान को चाहिए कि जो खाना खुद खाए अपने गुलाम और खादिम को भी वही खाना खिलाए, और जो कपड़ा खुद पहने उनको भी वही पहनाए। अपने गुलाम और खादिम से ऐसी मुशक्कत ना ले जो उसकी ताकत से बढ़कर हो। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।